ओके दोस्तों, तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेकेंड ओडीआई मैच मंगवांग ओवल ब्लॉइंग 14 वेन्यू पे खेले जाने वाला है। दोस्तों ये सेम वेन्यू है जहां पर कि फर्स्ट ओडीआई मैच खेला गया था। साउथ अफ्रीका ने यहां पर पहले बैटिंग किया था और टेम्बा बवुमा के शानदार सेंचुरी के बावजूद टीम सिर्फ 222 रन बना पाई थी और पूरे 10 के 10 विकेट निकल गए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम दोस्तों जब इस रन को चेस करने आई थी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी हालत खराब थी दोस्तों। 222 रन के टोटल को चेस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी 7 विकेट निकल गए थे। कैमरून ग्रीन के इंजर्ड होने के कारण दोस्तों मार्कस लेबुशेने आए थे और मार्कस लेबुशेने के पारी के वजह से ही ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत पाई थी, वरना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इस मैच को जीत पाना काफी मुश्किल था। बाकी दोस्तों इस मैच पे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और कौन सा ऐसा लो सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर है जो कि आप लोगों को आज के इस मैच पे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता हुआ दिखेगा। लास्ट मैच पे मैंने आप लोगों को बताया था कि टेम्बा बवुमा का स्टैट्स इस वेन्यू पे जबरदस्त है और मैंने पर्सनली उसे अपने टीम पर लिया था और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप सभी लोगों को शेयर किया था कि आप लोग इस मैच पे टेम्बा बवुमा को अपने टीम पर ले सकते हो। और जितने भी लोगों ने टेम्बा बवुमा को अपने टीम पर लिया था उन लोगों ने इजिली मैच को क्लीन स्वीप करा था। बाकी टेम्बा बवुमा तो फर्स्ट ओडीआई मैच का पंट प्लेयर बना, लेकिन इस मैच पे कौन सा प्लेयर आप लोगों के लिए पंट प्लेयर बन सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम के ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाके टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्रिकेट और लॉजिक नाम से हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप है, मस्ट ज्वाइन ग्रुप है दोस्तों। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी यूट्यूब के चैनल क्रिकेट और लॉजिक को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी पक्का से दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले और आप लोग अपने अपोनेंट से हमेशा 4 कदम आगे रहे। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वेन्यू मंगवांग ओवल जहां पर कि ये मैच खेले जाने वाला है। ओके दोस्तों, तो अगर यहां के पिच के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो लास्ट मैच में आप लोगों ने देखा साउथ अफ्रीका की टीम ने यहां पर पहले बैटिंग किया, टीम ने 222 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पे और ये जो 10 विकेट गिरे इसमें से 7 विकेट मिले थे पेसर को और स्पिन को यहां सिर्फ 2 विकेट मिले थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम दोस्तों जब इस रन को चेस करने आई, मतलब 222 रन को चेस करने आई, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यहां 225 रन बनाए और उनके कितने विकेट गिर गए, 7 विकेट गिर गए थे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इस मैच को हार ही जाएगी, लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को बताया मार्कस लेबुशेने के जबरदस्त बैटिंग के वजह से ही ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को विन किया। बाकी यहां पर देखोगे तो सेकेंड इनिंग्स में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम से जो 7 विकेट गिरे थे उसमें भी 6 विकेट यहां पर पेसर को ही मिले थे और स्पिन को यहां पर 1 ही विकेट मिला। मतलब यहां पर अगर आप लोग देखोगे टोटल 17 विकेट जो गिरे थे उसमें से 13 विकेट दोस्तों यहां पर किसको मिले थे, पेसर को मिले थे और स्पिन को यहां पर सिर्फ 3 विकेट मिले थे, 1 यहां पर रन आउट भी था। इसका मतलब क्या है, वेन्यू पे रन बनाना मुश्किल है, एक तो आप लोग देख ही रहे होंगे। बाकी यहां पर मोस्टली एडवांटेज किसे मिल रहा है, पेसर को मिल रहा है और स्पिन को उतना एडवांटेज नहीं है। क्लियर है दोस्तों आप लोगों को वेन्यू स्टैट्स। अब एक बार देख लो दोस्तों प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका के टीम के प्लेइंग 11 को अगर आप लोग देखोगे
तो यहां पर क्वांटन डीकॉक और टेम्बा बहुमा आप लोगों को ओपन करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट डाउन पोजीशन पे रेसी वेंदर दूसरे आते हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन से एडल माक्रम दिखेंगे, फिर टीम के विकेट कीपर हेनरिक क्लासेन दिखेंगे, फिर बैटिंग वाले सेक्शन से आप लोगों को डेविड मिलर दिखेंगे, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से आप लोगों को मार्को जेंसन दिखेंगे, फिर बॉलिंग वाला सेक्शन स्टार्ट होता है जिसपे आप लोगों को कगिसो रबाडा, केशव महाराज, जिराड कोटजी और लुंगी एनगिडी दिखेंगे। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेइंग 11 को देखोगे तो यहां पर देखो आप लोगों को ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर आप लोगों को ओपन करते हुए दिखेंगे, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मिशेल मार्श दिखते हैं, उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को लास्ट मैच पे मार्कस लेबुशेनी आए थे क्योंकि ये कैमरून ग्रीन के वजह से आए थे, तो मार्कस लेबुशेनी यहां पर नहीं खेलते हैं, वो आप लोगों को या तो मिशेल मार्श के नीचे खेलते हुए दिखेंगे या फर्स्ट डाउन पोजिशन पे खेलते हुए दिखेंगे। ठीक है, मार्नस लेबुशेनी ये तो या तो फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलने आएगा या मिशेल मार्श के नीचे खेलने आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कैमरून ग्रीन के ना होने से ना टीम के बॉलिंग वाले सेक्शन पे काफी इंपैक्ट रहेगा, इसीलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर चेंज होगा, कौन सा प्लेयर आप लोगों को बॉलिंग कराता हुआ दिख सकता है वो भी देखेंगे। बाकी उसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी दिखते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से मार्कस स्टॉइनिस दिखेंगे और एस्टन अगर दिखेंगे, बॉलिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों आप लोगों को सीन अबर्ट, जोश हेजलवुड और एडम जैम्पा दिखेंगे। ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 रहने वाली है, सीक्वेंस भी होपफुली आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने ट्रेडेक्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रेडेक्स ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लो। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया टू विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया इस मैच को विन करेगी, साउथ अफ्रीका टू हिट मोर सिक्सेस देन ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं लगता है साउथ अफ्रीका की टीम ज्यादा छक्के मारेगी, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ज्यादा हार्ड हिटर बैट्समैन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी साउथ अफ्रीका टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इसे नो कीजिएगा, 520 और मोर रन स्कोर होंगे क्या इस मैच में, अगर 520 रन बनने हैं तो आप लोग मान के चलो 260 रन यहां पर बनने हैं। ठीक है दोस्तों, ये डिपेंड करेगा, मतलब इतने रन वैसे बन जाने चाहिए, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसे मत कीजिएगा। साउथ अफ्रीका टू हिट मोर फोर देन ऑस्ट्रेलिया इसे आप लोग नो कर दीजिएगा, बाकी टोटल 13 विकेट्स बिल्कुल ये हो जाएंगे, इसे आप लोग इजीली यस कर दीजिएगा। एनी बैटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू बी टॉप रन स्कोरर इसे नॉक कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया के टीम से आप लोगों को टॉप स्कोरर मिलेंगे। क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं ट्रेडेक्स पे, बहुत सिंपल ऐप है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करने में आप लोगों को ₹20 का रियल कैश मिलेगा, ठीक है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ही लिंक है, लिंक के थ्रू पक्का से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब सेक्शन वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे कौन कौन से प्लेयर है। साउथ अफ्रीका की टीम से विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को क्वांटन डीकॉक और हेनरिक क्लासेन दिखेंगे। क्वांटन डीकॉक को देखो तो दोस्तों ओपन करने आता ही है, लास्ट के 5 मैच पे 31 रन, 48 रन, 9 रन, 8 रन, 11 रन, बाकी ओडीआई करियर 44 का इनका एवरेज है जो कि बहुत ही शानदार है। हेड टू हेड देखोगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, 24 मैच पे 30 का इनका एवरेज है, वेन्यू परफॉर्मेंस अच्छा है दोस्तों, 5 मैच पे 54 का इनका एवरेज है, 50 मतलब हाफ सेंचुरी एक बार बना चुके हैं और सेंचुरी भी यहां पर एक बार बना चुके हैं। वहीं दोस्तों आप लोग हेनरिक क्लासेन को देखोगे तो यहां पर देखो 80 रन, 119 रन, फिर बैटिंग नहीं किया, फिर 28 रन, फिर 14 रन, बाकी 39 के एवरेज से खेलते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों, 7 मैच पे 86 का एवरेज है, बट वेन्यू पे 5 मैच पे सिर्फ 25 का एवरेज है, और इस 5 मैच पे सिर्फ एक ही मैच पे यहां पर इनकी 51 रन की पारी आई है। तो इन दोनों को अगर आप लोग देखोगे तो दोस्तों स्टैटिस्टिकली मुझे यहां पर क्वांटन डीकॉक हेनरिक क्लासेन के ऊपर मजबूत लगता है। बाकी मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग हेनरिक क्लासेन को भी ट्राई कीजिएगा, क्यों मालूम है? क्योंकि हेनरिक क्लासेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के साइड से दोस्तों आप लोगों को विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी दिखेंगे,
जोश इंग्लिश को देखोगे तो 5 रन 10 रन 26 रन 1 रन ज्यादा अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है इनका। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, वेन्यू पे भी कुछ खास नहीं है, ओवरऑल अभी तक ओडीआई मैचेस का करियर भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। वही बात करूं दोस्तों एलेक्स कैरी की तो इन्हें देखो 0 रन 12 रन बैटिंग नहीं, 38 रन 3 रन बाकी 65 मैच पे 34 का एवरेज है। वेन्यू का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, 2 मैच पे 21 का ही एवरेज है। हेड टू हेड भी 8 मैच पे सिर्फ 33 का ही एवरेज है, रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से दोस्तों आप लोगों के लिए 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। क्वेंटन डीकॉक काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसका वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। हेनरिक क्लासेन की अगर मैं बात करूं तो हेनरिक क्लासेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इस बात को ध्यान रखेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम से जोश इंग्लिश और एलेक्स कैरी दिखेंगे, दोनों के रिकॉर्ड कुछ खास अभी तक नहीं है। अब आ जाओ दोस्तों अपने बैटिंग वाले सेक्शन पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को साउथ अफ्रीका की टीम पे दोस्तों टेम्बा बाउमा, रेसिवेंदर दुसेन और डेविड मिलर दिखेंगे। टेम्बा बाउमा ने लास्ट मैच में जबरदस्त 114 रन की पारी खेली थी, उससे पहले भी देखोगे तो एक बार 144 रन की फिर 90 रन की पारी खेली थी। बाकी ओडीआई पे देखोगे तो 27 मैच पे 57 का एवरेज है, बट हेड टू हेड देखोगे तो 2 मैच पे 140 का एवरेज है और वेन्यू पे देखोगे तो 3 मैच पे 129 का एवरेज है और इस वेन्यू पे दोस्तों 3 मैच खेलकर 1-2 मैच पे ये 100+ की पारी खेल चुके हैं। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेम्बा बाउमा के स्टैट्स बहुत ही ज्यादा अब अच्छा हो चुका है। चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं हाई चांसेस कि शायद इस मैच पे ये फ्लॉप हो जाए, शायद हाई चांसेस, क्लियर? तो मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग इन्हें ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। स्टैटिस्टिकली स्टैट्स तो बहुत ही जानदार है, बट क्या होता है ना जब स्टैट्स बहुत, मतलब ये क्या है ना, अनएक्सपेक्टेड, मतलब 129 का एवरेज 140 का एवरेज ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। ओवरऑल जाना किसने उस पे, उसने जाना इसी एवरेज पे 57 के एवरेज तक ही पहुंचना है, तो 2-3 मैच में फ्लॉप रहेगा तो एडजस्टेड एवरेज आ जाएगा, ठीक है? तो कुछ टीम पे ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है। रेसिवेंदर दुसेन को देखोगे तो 8 रन 14 रन 31 रन 25 रन 8 रन 3 मैच में दोस्तों 52 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 111 का, सेंचुरी यहां पर बना चुके हैं। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, 51 का इनका एवरेज है, लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे। बाकी ओडीआई करियर रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है, तो हो सकता है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, बट हो सकता है कि इस मैच पे आप लोगों को टेम्बा बाउमा फ्लॉप होते हुए दिखे और रेसिवेंदर दुसेन इस मैच पे आप लोगों के लिए एक पंट प्लेयर निकल कर आ जाए, क्लियर? मतलब थोड़ा सा अगर रिस्क लेना हो ना तो रेसिवेंदर दुसेन को ट्राई कीजिएगा और टेम्बा बाउमा को ड्रॉप करके चलिएगा, क्लियर? जो रिस्क लेना समझते हैं। बाकी सेफ साइड पे अगर आप लोग जाना चाहते हो स्टैटिस्टिकली तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि टेम्बा बाउमा और रेसिवेंदर दुसेन दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी बात करूं दोस्तों डेविड मिलर की तो यहां देखो 13 रन 17 रन बैटिंग नहीं, फिर 91 लास्ट मैच पे 0, 22 मैच पे 54 का एवरेज है जो कि अच्छा है। वेन्यू पे भी दोस्तों 5 मैच पे 66 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 58 का है, 50 3 बार बना चुके हैं, क्लियर? डेविड मिलर का भी वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, क्लियर? मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग पक्का से ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग पे वैसे कोई अपोनेंट लेकर नहीं आएगा बट मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई करने लायक प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी स्मॉल लीग पे भी अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि ऐसी टीम बनाओ कि एकदम सारे अपोनेंट्स को ही किल कर जाए जो टीम, तो वैसे टीम पे आप लोग यहां पर डेविड मिलर को भी ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों बात करूं ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप पे तो आप लोगों को ट्रेविस हेड दिखेंगे, 152 रन 5 रन 51 रन 33 रन 33 रन 55 ओडीआई मैचेस पे 40 का एवरेज है। हेड टू हेड परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब है दोस्तों, 9 मैच में से 20 का ही एवरेज है, बाकी वेन्यू पे 1 मैच खेला है जिसपे 33 का एवरेज है। मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है ट्रेविस हेड का। डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूं तो डेविड वार्नर को देखो 86 रन, फिर 16 रन, फिर 106 रन, फिर 23 रन, फिर 0 रन, बाकी 143 मैच पे 44 का एवरेज है। हेड टू हेड 24 मैच पे 41 का एवरेज है। वेन्यू पे 2 मैच खेला है जिसपे 35 का इनका एवरेज है।
क्लियर। अच्छा, मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहे हो तो आप लोग इन दोनों में से किसी एक को अपने टीम पर ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट स्मॉल लीग पे भी मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग इन दोनों में से एक के साथ रिस्क लेकर चल सकते हो, क्योंकि चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं काफी टाइम से, दो मैच निकल चुके हैं, दोनों नहीं चले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक के चलने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं अभी के टाइम पे। बाकी बात करूं दोस्तों मिशेल मार्श की, तो फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आए थे लास्ट मैच में। अच्छा, कैमरून ग्रीन के ना होने से होगा क्या? कैमरून ग्रीन के ना होने से हो सकता है आप लोगों को यहां पर मिशेल मार्श बॉलिंग भी करता हुआ दिखे, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहां पर देखो T20 पे तो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, ODI परफॉर्मेंस 30 रन 81 रन 66 रन 47 रन 17 रन पे फ्लॉप, 73 मैच पे 34 का एवरेज है। बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है और वेन्यू का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, स्टिल पिक करके चलिएगा क्योंकि अगर बॉलिंग करा लेते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं, क्लियर। बाकी बात करूं मार्कस लबुशेने की, तो यहां पर देखो 8 रन 15 रन 28 रन, लेकिन लास्ट मैच पे एक जबरदस्त पारी खेली, हेड टू हेड 4 मैच में 50 का एवरेज है, 31 मैच में 34 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर इनका जो है वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ही है। प्लेयर ठीक है दोस्तों, ट्राई किया जा सकता है आप लोगों को, क्लियर। तो यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन निकल कर आते हैं, अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि लो सिलेक्शन परसेंटेज पे है उन्हें अगर आप लोग देखते हो तो मेरे हिसाब से रेसी वेंडर देन दूसेन डेविड मिलर और ट्रेविस हेड या ड्रेविड वॉर्नर में से कोई एक, ये तीन आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आते हैं। बाकी मिशेल मार्श इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन्हें आप लोग अपने टीम पर पिक करके चलिएगा। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे साउथ अफ्रीका के टीम पे आप लोगों को एडल मार्करम और मार्को जेंसन दिखेंगे। एडल मार्करम को अगर आप लोग देखोगे 39 रन बनाए, विकेट लेस गए, 25 रन बनाया, एक विकेट लिया, 51 रन बनाया, एक विकेट लिया, 175 रन बनाए, दो विकेट लिया, लास्ट मैच पे 1.2 ही ओवर किया था, 19 रन बनाया था बट विकेट लेस गए थे। बाकी वेन्यू पे देखोगे तो 4 मैच में 32 का ही इनका एवरेज है, हेड टू हेड 5 मैच में 30 का एवरेज है, ओडीआई पे 51 मैच पे 33 का इनका एवरेज है। अच्छा, एडन मार्करम के साथ एडवांटेज ये है ना दोस्तों, सपोज करो अभी हम लोग कह रहे हैं कि पिच पे पेसर को एडवांटेज है, पता चला सडनली कि पिच पे स्पिन भी रोल प्ले कर रहा है, तो उस केस पे एडन मार्करम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन पे ये आप लोगों को बॉलिंग भी करता हुआ दिखेगा, यहां देखो और बॉलिंग पे ये विकेट निकाल लेता है दोस्तों, अगर ये यहां पर आप लोगों को 30 से 40 रन बना देता है और दो विकेट निकाल लेता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है। इनफैक्ट ये वाइस कैप्टन का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगा। बात करूं दोस्तों मार्को जेंसन की, तो लास्ट मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, इन्होंने 32 रन बनाए थे और एक विकेट निकाला था, बाकी उससे पहले भी देखो एक विकेट दो विकेट एक विकेट, विकेट निकाल ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर है और लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स के सामने मोस्टली राइट हैंडेड बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रगल करते ही है। बाकी बैटिंग का अगर चांस मिला तो 10 मैच में 26 का एवरेज है जो कि अच्छा खासा एवरेज है, वेन्यू पे अच्छा परफॉर्म किया है, हेड टू हेड भी परफॉर्मेंस अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ऑलराउंडर वाला सेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन बन सकता है, इसीलिए मार्को जेंसन एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। एडन मार्करम और मार्को जेंसन, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इन दोनों प्लेयर को ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स आप लोगों को बैटिंग बॉलिंग या दोनों बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट दे सकते हैं। बाकी बात करूं ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, आप लोगों को मार्कस स्टॉइनिश और एस्टन अगर दिखेंगे। मार्कस स्टॉइनिश दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, कैमरून ग्रीन के जाने के बाद ही मार्कस स्टॉइनिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के मैच में तो इसने 6 ओवर डाले थे बट हो सकता है इस मैच पे आप लोगों को पूरा 10 ओवर करता हुआ दिखे, क्लियर, दो विकेट निकाले थे, रन भी बनाए थे। बाकी अगर आप लोग देखोगे 5 मैच पे 25 का इनका एवरेज है, ओडीआई पे 61 मैच पे 27 का एवरेज है, यहां देखो 12 रन विकेट लेस गए बट जब बॉलिंग कराते हैं तो विकेट्स निकालते हैं और बैटिंग पे भी अच्छा खासा ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि टीम पर कैमरून ग्रीन नहीं है दोस्तों, इसीलिए मार्कस स्टॉइनिश को इस मैच में मैं अपना कैप्टन लेकर चलूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
बाकी एस्ट्रॉन अगर आप लोगों को दिखेंगे, हो सकता है यहाँ पर एस्ट्रॉन अगर के बदले आप लोगों को यहाँ पर एरन हार्डी भी खेलते हुए दिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि टीम ने एक बात तो नोट कर लिया, वेन्यू पे स्पिन के मुकाबले पेसर को एडवांटेज है, लेकिन एस्ट्रॉन अगर ने लास्ट मैच पे मार्कस लेबुशेने के साथ मिलकर एक शानदार पारी खेली थी। इन्होंने भी दोस्तों 48 रन की एक जबरदस्त पारी खेली थी और एक विकेट भी निकाला था। बाकी 22 मैच खेले हैं, 24 का इनका एवरेज है। हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड तो अभी कुछ खास नहीं है दोस्तों, बट प्लेयर ठीक है, मतलब आप लोग ट्राई कर सकते हो एज अ पंट पिक, बट स्पिन को क्योंकि उतना एडवांटेज नहीं है इसीलिए शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। तो ऑलराउंडर वाला सेक्शन काफी सिंपल सेक्शन है। साउथ अफ्रीका के टीम से आप लोगों को एजल माक्रम और मार्को जैनसन दिखते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के टीम पर दोस्तों आप लोगों को मार्कस स्टॉइनिश और एस्टन अगर दिखते हैं। इन चार ऑलराउंडर में से तीन ऑलराउंडर तो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों ने अपने टीम पर पिक करना चाहिए, बाकी एक एस्टन अगर आप लोगों के लिए डिफरेंशियल पिक रह सकते हैं। अब आ जाओ दोस्तों अपने बॉलिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को साउथ अफ्रीका के टीम पर कगिसो रबाडा, केशव महाराज, जिराल्ड कोट्जी और लुंगी एनगिडी दिखेंगे। गिराल्ड कोट्जी की अगर मैं बात करूं ना तो ये एक बहुत अच्छा बॉलर है दोस्तों। यहां देखो 3 विकेट 2 विकेट और लास्ट मैच में भी इसने 2 विकेट निकाल लिए। T20 इंटरनेशनल मैचेस पे भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा था। साउथ अफ्रीका की एक नई फाइंडिंग है, बट प्लेयर बहुत शानदार है, मस्ट पिक है मेरे हिसाब से, तो लेकर ही चलना चाहिए। बाकी केशव महाराज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वेन्यू पे मनगवांग ओवल पे स्पिन को ज्यादा एडवांटेज नहीं रहता है, आप लोगों ने देखा भी लास्ट मैच अगर आप लोगों ने देखा होगा। बाकी 9 ओवर इन्होंने किया था, 1 विकेट निकाला था, बाकी 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट लास्ट के 5 मैच भी देखोगे तो कोई मेजर इंपैक्ट अभी तक तो दिखा नहीं है। 4 विकेट होल्ड आज तक नहीं किया, 5 विकेट होल्ड आज तक नहीं किया है। हेड टू हेड 4 मैच खेले हैं जिसपे 2 ही विकेट निकाल पाए हैं। वेन्यू पे भी 3 मैच खेले हैं जिसपे 2 ही विकेट निकाल पाए हैं। ओडीआई पे भी 28 मैच पे अभी 30 ही विकेट है इनके। कुछ अभी तक मेजर इंपैक्टफुल इनिंग्स केशव महाराज की तरफ से नहीं है। बाकी बात करूं कगिसो रबाडा की तो ये एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले, उससे पहले देखोगे परफॉर्मेंस 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट यहां विकेटलेस गए थे। बाकी हेड टू हेड परफॉर्मेंस बहुत जानदार है, 12 मैच में दोस्तों 21 विकेट है इनके पास और वेन्यू पे 2 मैच में 4 विकेट है, एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी बात करूं दोस्तों लुंगी एनगिडी की तो T20 मैचेस पे तो इन्होंने कुछ खास नहीं किया था, बट ODI पे देखोगे तो 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट 46 मैच पे 74 विकेट है। हेड टू हेड 6 मैच पे 14 विकेट है। वेन्यू पे 4 मैच पे 9 विकेट है और इस वेन्यू पे 5 विकेट होल्ड करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं क्योंकि वेन्यू पे इनका दबदबा अच्छा दिख रहा है। तो गिराल्ड कोट्जी हो गया, कगिसो रबाडा हो गया, लुंगी एनगिडी हो गए, ये इंपॉर्टेंट बॉलिंग सेक्शन से मुझे लग रहे हैं। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर सीन अबट की, ODI करियर अभी स्टार्ट हुआ है, 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 12 मैचेस खेल चुके हैं जिसपे 14 विकेट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगर बैटिंग की जरूरत पड़ी ना तो सीन अबट वैसे एक ऑलराउंडर ही है, अच्छा खासा बैटिंग कर लेता है ये प्लेयर, इस बात को ध्यान रखिएगा। जोश हेजलवुड तो दोस्तों अच्छी बॉलिंग करता है, आप सभी को पता है, ठीक है, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाले थे। बाकी हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखोगे 13 मैच पे 23 विकेट है। वेन्यू पे 1 मैच खेला है, पेसर को एडवांटेज है तो विकेट्स निकालते हैं। बाकी 70 मैच पे 111 विकेट है, क्लियर। जोश हेजलवुड एक मस्ट पिक बॉलर बनेंगे। बाकी एडम जैम्पा की अगर मैं बात करूं तो एडम जैम्पा हेड टू हेड 13 मैच पे 11 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच पे 3 विकेट है। एडम जैम्पा एक डिफरेंशियल पिक है मेरे हिसाब से, तो एडम जैम्पा और लुंगी एनगिडी में से किसी एक को पिक करना चाहिए और हो सके तो साउथ अफ्रीका की टीम अगर फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है स्पेशली तो उस केस पे आप लोग लुंगी एनगिडी को ही ट्राई कीजिएगा। अभी के टाइम पे जो मेरी टीम है वो टीम कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों। यहां पर विकेट कीपिंग वाले सेक्शन पे मेरे पास क्विंटन डीकॉक है, बैटिंग वाले सेक्शन पे मिशेल मार्श और ऋषि वेंदर दुसेन है, बाकी ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे मार्कस स्टॉइनिश, एडल माक्रम और मार्को जेंसन है, बॉलिंग वाले सेक्शन पे जोश हेजलवुड, सीन अबट, एडम जैम्पा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया एडम जैम्पा और लुंगी एनगिडी ये आप लोगों के डिफरेंशियल बॉलर रहेंगे, बाकी साउथ अफ्रीका की टीम से कगिसो रबाडा और जिराल्ड कोट्जी रहेंगे।
कैप्टन मैंने आप लोगों को बताया मार्कस स्टोइनिस रहने वाला है, रीजन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, बाकी वाइस कैप्टन का कंटेंट है दोस्तों मेरे लिए एजल माक्रम रहने वाला है। बाकी सेफ साइड पे अगर आप लोग टीम बनाना चाहते हो तो बॉलिंग वाले सेक्शन से आप लोग 5 प्लेयर के बदले यहां पर आप लोग 4 प्लेयर पिक कर सकते हो और यहां पर आप लोग 1 प्लेयर डेविड वार्नर या ट्रेविस हेड को इजीली ट्राई कर सकते हो टीम पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। हो सकता है इन दोनों में से एक प्लेयर यहां पर आप लोगों को बड़ी पारी खेलता हुआ दिखे, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस है जो आप लोग कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों ने बॉलिंग वाले सेक्शन को छेड़ना है, यहां पर 5 की जगह 4 प्लेयर रखना है और एक बैटिंग वाले सेक्शन पे आप लोग प्लेयर दे सकते हो, क्लियर। बाकी दोस्तों ट्रेडेक्स ऐप को तो होपफुली आप सभी लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे ही लिंक है, लिंक के थ्रू ट्रेडेक्स ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, सभी लोग जिम्मेदारी से खेलें। धन्यवाद दोस्तों।